हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आफ्टर वी कोलाइडेड ये आफ्टर मूवी का सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओरिजिनल फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया था, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से मूवी के बारे में पता है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रिकैप दिया जाता है। रिकैप हमें हार्डिन दे रहा है। वो कहता है कि जिस तरह से हर नॉवेल में एक लव स्टोरी होती है, उसी तरह से टेसा और मेरी भी एक लव स्टोरी थी। लड़की ने अपने आप को किसी और को प्रॉमिस किया था, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी ढूंढी। वो किसी और के पैर में पड़ गए, पर उसे धोखा ही मिला। थोड़े से झगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए। फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है। इसके बाद ये दोनों लेक के पास हमें दिखाए जाते हैं और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है। हार्डिन हमें कहता है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, ये एक रियल लाइफ है, तो इतनी जल्दी किसी को भी कोई भी माफ नहीं करता। अभी तक टेसा ने हार्डिन को माफ नहीं किया है। अभी हमारी सेकंड मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हार्डिन टेसा को कॉल करने की कोशिश करता है। टेसा को हार्डिन की वजह से एक अच्छे से पब्लिशिंग हाउस में पेड इंटर्नशिप मिली है। वो अपने जॉब को सीरियसली लेती है और आज उसका फर्स्ट दिन है। वो अभी उसे इग्नोर करती है, पर वैसे भी उसे इग्नोर कर ही रही थी। वो लिफ्ट के पास पहुंचती है तो लिफ्ट उसकी मिस हो जाती है। लिफ्ट के अंदर ट्रेवर था। ट्रेवर हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। टेसा को लगता है कि ट्रेवर ने जानबूझकर उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी। वो उसे बाहर से ही गालियां दे देती है, पर ट्रेवर ने लिफ्ट रोकी थी। वो फिर से ओपन हो जाती है। अब इनका इनकाउंटर बहुत ही ऑकवर्ड सा है। वो उसे सॉरी कहती है। ये दोनों एक ही फ्लोर पर रुकते हैं और ट्रेवर भी उसके ऑफिस में काम करता है। टेसा के बॉस की सेक्रेटरी, जिसका नाम है किम्बरली, ये टेसा से ऑफिस में मिलती है। टेसा को कहाँ काम करना है ये सब दिखाती है। इसमें बहुत सारी मेस पड़ी हुई है। कहती है कि हमारे यहाँ जो भी इंटर्न्स आते हैं ये ज्यादा रुकते नहीं। टेसा कहती है पर इस इंटर्नशिप में लोग तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। किम्बरली कहती है वो तो है, पर उन्हें जल्दी से फायर भी कर दिया जाता है। टेसा को बहुत ही टेंशन आ जाता है। उसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट दी गई है, उसे जल्दी से पढ़कर उसका रिव्यू उसे देना है। वो रात भर काम करती है और एक ही रात में उसने 3 बुक्स पढ़ डाली है। वो अपने डेस्क पर काम करते करते ही सो गई थी। उठती है तो डायरेक्टली उसका बॉस उसके सामने उसने जो बुक्स की रिव्यू दी है ये पढ़ रहा है। टेसा ने 3 बुक्स पढ़ी है और उसका रिव्यू भी एक ही रात में लिख डाला है। ये सब देखकर उसका बॉस उसे इम्प्रेस्ड हो जाता है। अचानक से उठती है और रियलाइज करती है कि रात में वो यही सो गई थी। वो एम्बेरस्ड होकर अपने बॉस से सॉरी कहती है। उसे लगता है कि अब उसका जॉब चला जाएगा। बॉस कहती है कि जल्दी से चलो, हमें कॉन्फ्रेंस में चलना है। नेक्स्ट सीन में हम हार्डिन देखते हैं, एक टैटू आर्टिस्ट के पास सो आता है। एक बड़ा सा टैटू बनवाने वाला है तो आर्टिस्ट कहती है कि इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। उसे अल्कोहल ऑफर करती है। हार्डिन कहता है मुझे दर्द अच्छा लगता है। टेसा के जाने के बाद वो बहुत ही हर्ट हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के लिए बॉस ट्रेवर के साथ टेसा को भी लेकर आया है। सब लोगों को सेपरेट रूम्स दिए जाते हैं। बॉस टेसा और ट्रेवर को समझाते हैं कि एक बड़े से इन्वेस्टर अब यहाँ आने वाले हैं। तुम दोनों को उन्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना है। टेसा के पास सही से कपड़े नहीं थे तो किम्बरली और वो जाकर शॉपिंग करके आते हैं। इन दोनों में थोड़ी सी बॉन्डिंग हो ही रही है तो किम्बरली टेसा को बताती है मैं और मेरे बॉस, हम दोनों में सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी, यह एक रिलेशनशिप नहीं है। उनकी वाइफ की डेथ हो जाने के बाद वो बहुत ही अकेले थे। उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था, अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वो कहती है कि लव बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। टेसा भी इससे एग्री कर सकती है। रात में इन्वेस्टर से मिलने बॉस किम्बरली टेसा और ड्राइवर ये सब नाइट क्लब जाने वाले हैं। टेसा का ड्रेस देखकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्लब में ट्रेवर टेसा से पूछता है क्या तुम्हारे लिए मैं कोई ड्रिंक्स वगैरह ला सकता हूँ। टेसा कहती कि नहीं, आजकल उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं, वो कुछ भी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती। वो कहती है घर से ऑफिस आने तक उबर में बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं। थोड़ी देर में इन्वेस्टर इनके पास आकर बैठता है। उसने एक पॉट में बहुत सारी अल्कोहल लाई है। वो इनसे एक ही चीज कहता है कि आज रात हम बहुत मजे करेंगे और ये सब मिलकर बहुत पीते हैं। अब टेसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है। डांस फ्लोर पर आती है, थोड़ा सा डांस करती है, तब तो उसे एक लड़के में हार्डिन दिखता है। वो उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है। थोड़ी देर में रियलाइज करती है कि वो हार्डिन नहीं था, तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है। हार्डिन भी उसके फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में आया हुआ था। इस पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। फर्स्ट पार्ट से हमें पता है कि मॉली की वजह से हार्डिन और टेसा का ब्रेकअप हुआ था। मॉली हार्डिन को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर बैठती है। हार्डिन उसे नीचे गिरा देता है। जब वो जा रहा होता है तो मॉली कहती है अभी तक उस घटिया लड़की से तुम मूव ऑन नहीं कर पाया। हार्डिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाहर आने पर उसे टेसा का कॉल आता है। टेसा कॉल पर कहती है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ,
तू मुझे अब मिस कर रहे हो। हार्डिन समझ जाता है कि अब बहुत ही ड्रंक है, उसे पूछ भी लेता है। उसे टेसा की चिंता होती है तो कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मैं जल्दी से वहाँ आ रहा हूँ। इसके बाद ड्राइवर फिर से होटल में जाने वाला था। वो टेसा से गुड बाय कहने के लिए आया पर टेसा को भी होटल में ही फिर से वापस जाना था। ये दोनों फिर होटल में आकर टेसा के रूम में हैंग आउट करते हैं। टेसा ट्रेवर से उसके फेवरेट बुक के बारे में पूछती है। ट्रेवर अकाउंटिंग में है तो उसे अकाउंटिंग की बुक अच्छी लगती है। बातों बातों में टेसा वाइन का ग्लास ट्रेवर पर गिरा देती है। वाइन के दाग को धोने में अगर लेट हो गया तो ये कभी भी नहीं जाएगा, इसलिए ट्रेवर को जल्दी से कपड़े निकालने के लिए कहती है। ट्रेवर सिर्फ अपनी अंडरवेयर में था तभी हार्डिन वहां पहुंच जाता है। टेसा दरवाजा खोलती है और हार्डिन ट्रेवर को इसी तरह से देख लेता है। उसे लगता है कि ट्रेवर टेसा का एडवांटेज ले रहा था। उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है तो ट्रेवर जल्दी से वहां से निकल लेता है। टेसा हार्डिन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हार्डिन कहता है कि वो तुम्हारा एडवांटेज ले रहा था, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। टेसा क्वेश्चन का आंसर नहीं करती पर कहती है कि अगर हम हो रहे थे तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। वो उसके पास आ जाती है और उसे टीज करती है। वो ड्रंक है तो हार्डिन के साथ इंटीमेट होना चाहती है। हार्डिन पहले रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और ये फिर इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह होती है तब टेसा रियलाइज करती है कि उसने क्या किया था। बहुत ही लेट हो चुकी है, उसका बॉस का भी कॉल उसे आ चुका है। वो जल्दी से अपने सब कपड़े पहनती है। वो हार्डिन पर गुस्सा है। हार्डिन बोलता है कि तुमने मुझे कॉल किया था। इन दोनों में फाइट हो जाती है। गुस्से गुस्से में टेसा हार्डिन से कहती है कि मैंने किसी और को किस किया था। हार्डिन भी उसे नीचा दिखाने के लिए एक झूठ कह देता है। वो कहता है कि मैं भी मॉली के साथ इंटीमेट हुआ था। नीचे आकर टेसा ट्रेवर से मिलती है, ट्रेवर को सॉरी कहती है। ट्रेवर कहता है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। हार्डिन फिर अपने स्टेप ब्रदर लैंडन से एडवाइस लेने के लिए आता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है पर मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूँ। लैंडन उस पर बिलीव नहीं करता पर उसे वो कन्विंस कर देता है। हार्डिन उसे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लैंडन फिर टेसा को टेक्स्ट करता है। उसे कहता है कि हार्डिन मेरे पास आया था, वो बहुत ही सॉरी है और वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। टेसा से फिर मिलने ट्रेवर पहुंचता है। टेसा ने ट्रेवर से कहा था कि उबर में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं तो ट्रेवर ने उसके लिए एक शीट बनाई है। इस शीट में उसने उसके एक्सपेंसेस के सब कैलकुलेशंस किए थे। वो कंक्लूड करके टेसा से कहता है कि अगर तुमने कोई कार रेंट कर ली तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। टेसा यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। एक्साइटमेंट में उसे वो किस भी कर लेती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है। टेसा और हार्डिन जब रिलेशनशिप में थे तो एक साथ ही रह रहे थे। उसकी कुछ चीजें अभी भी उस घर में है तो वहां वो पहुंचती है। लैंडन ने टेसा को कहा था कि आज हार्डिन लंदन जा रहा है तो उस घर में कोई भी नहीं होगा, इसीलिए टेसा वहां आई थी। बेड पर हार्डिन ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। टेसा का आज बर्थडे है और ये हार्डिन की तरफ से उसे गिफ्ट है। उसके लिए उसने बहुत पहले बाय कर रखा था। इसमें कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है। ये गिफ्ट ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो भी सब फेवरेट बुक्स है ये इसमें मैंने इंस्टॉल कर दी है। ये किंडल रीडर है। वो घर में ही थी तब अचानक से हार्डिन और उसकी मदर वहां पहुंच जाती है। मदर टेसा को देखकर बहुत ही एक्साइटेड है। वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मदर ने इमेजिन किया था कि ट्रेवर को पसंद आने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी पर टेसा नॉर्मल है तो उसे बहुत खुश होती है। टेसा हार्डिन से पूछती है तुम्हारी मदर को हमारे बारे में क्यों पता नहीं है। हार्डिन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में था तो बहुत ही खुश थी, मैं इतनी जल्दी उसे ब्रेकअप के बारे में नहीं बताना चाहता था। टेसा भी समझ लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी मदर को लगता है कि हम दोनों में रिलेशनशिप है तो हम प्रिटेंड कर ही सकते हैं। मदर फिर से टेसा से जब बात करती है तब टेसा को कन्विंस कर लेती है कि आज रात उसे यही रुकना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारी बातें करनी है। टेसा को अपनी मदर से मिलने के लिए जाना था पर इसे वो पोस्टपोन कर देती है। रात में टेसा और हार्डिन एक साथ ही सोते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। इवेंचुअली वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर हार्डिन की मॉम से गुड बाय लेकर टेसा अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। घर के बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड नोवा भी उसे मिलता है। वो कैसे है ये एक दूसरे से पूछते हैं और बातों बातों में नोवा उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे फादर के साथ जो भी डील है क्या तुम उसे फाइन हो। टेसा को उसके फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जब छोटी थी तभी उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे। वो फिर अपनी मदर को कॉल करती है, पूछती है कि फादर के बारे में मुझे कुछ भी क्यों पता नहीं है, क्या हुआ है। मदर कहती है कि तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे फादर आए थे पर मैंने यहाँ से उन्हें भगा दिया। टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। डायरेक्टली वो हार्डिन के पास आती है। रात में हार्डिन को एक बुरा सपना आता है। प्रीवियस पार्ट से हमें मालूम है कि हार्डिन के फादर एक ड्रंक थे। उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिए थे।
एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आया, तब हार्डिन के मॉम से उन्होंने जबरदस्ती की। हार्डिन के मॉम के साथ जो भी गलत हो रहा था, ये सब छोटे हार्डिन ने देख लिया था। उसके बाद हमेशा उसे नाइटमेयर्स आते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। टेसा रात में उसे सहारा देती है। सुबह होने के बाद हार्डिन की मदर और टेसा ये दोनों बात करते हैं। मदर कहती है कि जब हार्डिन तुमसे मिला तब उसे नाइटमेयर्स आना बंद हो चुका था। मदर ने फिगर आउट कर लिया है कि हार्डिन और टेसा के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है। टेसा भी एग्री करती है, कहती है कि उसने मुझे बहुत बड़ा झूठ बोला था, उसे वो हर्ट हो चुकी थी। जब हार्डिन उठता है तो टेसा के पास आता है, उसे एक कार्ड देता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम्हारा परफेक्ट डे। टेसा पूछती है कि ये क्या है। लास्ट टाइम मैं खुद गिफ्ट नहीं दे पाया था, तो एक गिफ्ट मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए देना चाहता हूँ। एक ऐसा डे होगा जहाँ पर टेसा जो भी हार्डिन से कहेगी वो सब उसे करना पड़ेगा, वो किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कर सकता। टेसा डायरेक्टली उसे आइस स्केटिंग के लिए लेकर आती है। हार्डिन को आइस स्केटिंग नहीं आती तो बहुत बार वो गिरता है। टेसा फिर उसे योगा करने के लिए लेकर आती है। योगा करते करते ये दोनों टर्न ऑन हो जाते हैं, घर आकर इंटीमेट होते हैं। अचानक से टेसा को ऑफिस से कॉल आता है। ये कॉल किम्बरली का है। किम्बरली और बॉस को कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा। बॉस को एक छोटा सा सन है, तो इसकी जिम्मेदारी वो टेसा को देकर वहां से चली जाती है। इस छोटे बच्चे पर हार्डिन नजर रखता है, पर बातों बातों में बच्चा हार्डिन से गालियां सीख जाता है। रात में किम्बरली बॉस के बेटे को ले जाती है। वो जाते जाते हार्डिन से कहती है कि टेसा के साथ तुम जब होते हो तो तुम्हारा बेस्ट वर्जन होते हो। हार्डिन हंसता है और कहता है, क्या ये इतना ऑब्वियस है। अब क्रिसमस आने वाला है, तो हार्डिन टेसा को एक ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करता है। टेसा कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम क्रिसमस में एक साथ होंगे। उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया है। हार्डिन कहता है कि मुझे सिर्फ एक चांस दो, हम फिर से सही से सब कुछ कर सकते हैं। टेसा भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये दोनों ऑफिस में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हार्डिन के फादर ने एक पार्टी रखी है। इस पार्टी में हार्डिन की मदर को भी वो इनवाइट करते हैं। हार्डिन पहले ही अपने फादर को हेट करता है। पार्टी में उसके फादर ब्रैगिंग करने लग जाते हैं, उनकी लाइफ वो सही से जी रहे हैं, पर हार्डिन को लगता है उसकी मदर सही से नहीं जी पाती है। वो उन पर गुस्सा है तो फादर उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। हार्डिन कहता है कि बहुत सारी चीजें अब तुमने सही कर ली है, पर फिर भी मदर से तुमने अपोलोजाइज नहीं किया है। उस रात जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें मदर के साथ रहना चाहिए था, उसका ऑपोजिट तुमने किया और हमारी लाइफ से तुम चले गए। गुस्से में अपने फादर को भी पंच कर देता है। हार्डिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मदर इस पर बहुत गुस्सा होती है। वो अब यहाँ से जा रही है। वो कहती है कि जिस तरह से तुम एंगर में रहते हो, सब बैड डिसीजंस लेते हो, ऐसा ही अगर करते रहे तो सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी लाइफ बर्बाद कर दोगे। यहाँ से वो चली जाती है। घर आकर भी हार्डिन बहुत ड्रिंक करता है और सो जाता है। टेसा को ये अच्छा नहीं लगता। जब वो ऑफिस आती है तो फिर से ट्रेवर से मिलती है। इन्हें देर रात तक काम करना था, तो बाहर से कुछ फूड मंगवा लेते हैं। बातें करते करते हार्डिन के बारे में सब कुछ वो ट्रेवर को कहती है। जाते जाते ट्रेवर टेसा से कह कर जाता है, तुम्हारे और हार्डिन के बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा। ट्रेवर को अपनी कंपनी में ही एक प्रमोशन मिल चुका है, तो एक नई लोकेशन पर वो जाने वाला है। ये उनकी लास्ट मीटिंग है। टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके बॉस का कॉल आता है। टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है, तब उसे अच्छी सी जॉब पोजीशन मिलने वाली है। जिस जगह पर ट्रेवर जाने वाला था उसे वही जॉब मिली है। हार्डिन अब जरा सा नॉर्मल है, उसका गुस्सा अब खत्म हो चुका है। हार्डिन के फ्रेंड्स ने उसे पार्टी के लिए बुलवाया था, पर ये टेसा के लिए अनकंफर्टेबल होगा इसलिए वो जा नहीं रहा था। टेसा कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा सकते हैं। पार्टी में आकर हार्डिन के फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ड्रंक हो जाती है। इस पार्टी में हार्डिन थोड़े टाइम के लिए गायब हो चुका था। जब वो वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मॉली टेसा को टीज कर उसे रोक लेती है, कहती है कि एक दो ड्रिंक्स के लिए तुम्हें रुकना चाहिए। ये हैंग आउट करते और डिसाइड करते हैं कि इन्हें ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना चाहिए। लास्ट मूवी में हमने देखा है कि इसी गेम से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। मॉली टेसा से पूछती है कि हार्डिन ने तुम्हें धोखा दिया, पर फिर भी तुम उसके साथ हो, तुम्हारा वो फर्स्ट लव था इसीलिए तुम उसके साथ हो। टेसा मॉली को स्लट बुलाती है। इन दोनों में इसे फाइट हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है। हार्डिन फिर टेसा को दूर लेकर जाता है। टेसा हंसते हंसते कहती है कि फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मॉली को हेट ही करती थी, ये सब बाहर आ चुका है। ये दोनों फिर ऊपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये पार्टी से निकल रहे थे तभी हार्डिन को उसकी एक फ्रेंड मिली। हार्डिन ने उसे कहा कि हमारे बीच आज रात जो भी हुआ ये किसी को भी मत बताना। उसने कहा कि वरी मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी।
ये सब डेसा ने सुन लिया। हार्डिन थोड़े टाइम के लिए गायब था, तो उसे लगा कि ये दोनों इंटीमेट हो गए। ये बाहर आकर उससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। हार्डिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पर डेसा मानती नहीं। इस फाइट में हार्डिन डेसा से कहता है कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि मैं तुमसे फिर से चीट नहीं करने वाला, पर फिर भी तुम मानती नहीं। ये करने में कोई भी पॉइंट ही नहीं है। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। सुबह होने पर ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों बहुत ही गलत थे, इन्हें फिर से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। डेसा हार्डिन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसकी बैटरी डेड है। वो फिर वरीड होकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपना फोन जब ऑन करता है तो उसे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। आगे चलकर उसे रोड पर एक्सीडेंट हुई डेसा की गाड़ी मिलती है। डेसा ऑलरेडी एम्बुलेंस में है और एम्बुलेंस आगे जा रही है। वो भागते भागते इस एम्बुलेंस को चेस करता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। वो किस हॉस्पिटल में गई है ये उसे मालूम नहीं है। वो हर हॉस्पिटल को कॉल लगाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली डेसा को कॉल लग जाता है। ये कॉल ट्रेवर उठाता है। ट्रेवर डेसा को हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। ट्रेवर हार्डिन से कहता है कि तुम दोनों में जो भी कुछ है ये सब गलत है। अब डेसा और मैं हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अगर तुम सचमुच में उससे प्यार करते हो तो तुम उसे जाने दोगे। ये कहकर वो फोन रख देता है। डेसा जब ठीक हो जाती है फिर से उनके अपार्टमेंट में आती है। वहां पर हार्डिन ने उसके लिए एक लेटर लिखा है। इस लेटर में वो लिखता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। हम जितना एक दूसरे को प्यार करते हैं पर उतना पेन भी हमें होता है। उस पार्टी में जिस लड़की को तुमने देखा वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने प्रीवियस में उसे हर्ट किया था तो उससे मैंने माफी मांगी थी, इसलिए हम गायब थे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊंगा। तुम भी शायद टाइम के साथ मुझे भूल जाओगे। लेटर पढ़ने के बाद डेसा हार्डिन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर हार्डिन ने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया था। वो अब अपनी मदर के साथ लंदन में आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अपसेट है। उसकी मदर उसके पास आकर उसे समझाती है, कहती है कि तुम अपने फादर को माफ नहीं करते, इसी वजह से तुम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो। तुम अगर लोगों को फॉरगिव करोगे तभी तुम सही में खुश रह पाओगे। हार्डिन को लगता था कि उसकी मदर बहुत ही अकेली है, पर मदर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ही नेबर को डेट कर रही है, वो एक अच्छी रिलेशनशिप में है। मदर फिर कहती है कि टेसा अब सियाटल जाने वाली है। जाने से पहले उनकी एक पार्टी है जहां पर तुम जा सकते हो। हार्डिन को वो उसे मनाने की एडवाइस देती है। हार्डिन पहले लेट हो चुका है तो जल्दी से वहां से निकलता है। इस पार्टी में ट्रेवर और टेसा एक साथ थे। ट्रेवर फिर टेसा से सच बोल देता है। कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तब हार्डिन का मुझे कॉल आया था। मैंने उसे जो भी कहा जो भी किया वो गलत था, पर मैं तुम्हारे साथ जब होता हूँ तब वो साइड मेरी बाहर आ जाती है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि वो टेसा को बहुत पसंद करता है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी टेसा हार्डिन को इस पार्टी में देख लेती है। वो फिर यहाँ से बाहर निकलती है। हार्डिन भी उसका पीछा करता है। बाहर आकर एक टैक्सी निकल रही है ये उसे दिखता है। उसे लगा कि टेसा चली गई है, पर टेसा उसके पीछे से आती है। हार्डिन कहता है कि मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर मैं रह नहीं पाया। टेसा फाइनली इसे माफ करती है। हार्डिन हमसे कहता है कि फाइनली हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि हार्डिन ने और एक टैटू बनवाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। अब मूवी के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर आता है। हार्डिन और टेसा स्ट्रीट से जा रहे थे तो एक बेगर जैसा आदमी उनके पीछे आ गया। वो टेसा से बात करना चाहता था। हार्डिन ने उसे पकड़ लिया। टेसा ने जब इसे करीब से देखा तब रियलाइज किया कि उसके ही फादर है। अब उसके फादर की क्या स्टोरी है, ये सस्पेंस क्या है, यह हमें नेक्स्ट मूवी में पता चलेगा। इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।